अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। बच्चों आप कैसे हो? अलहमदुल्ला मैम, हम भी ठीक। अलहमदुल्ला ठीक है मैम। लेक्चर शुरू करें या अभी थोड़ा सा वेट करना है? और आज मैं चाह रही हूँ कि आपका जो उस दिन एक क्लास स्किप हुई थी तो वो कंबाइन में आपको आज ही करवा दूँ। ओके मैम। अभी तक जो किया उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ? शाम को मैम सॉरी ईमान, आप क्या कह रहे हो? मैम आपने ना सेकंड लेक्चर की रिकॉर्डिंग ही सेंड किया मैम। अच्छा मैं कर दूंगी आपको आज सेंड। मुझे याद करवा देना एंड पे, लेक्चर के एंड पे मैं आपको भेज दूंगी। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी बेटे। मैम आपसे टाइम चेंज करने का आपने कहा था कि मैं पूछ के बताऊंगी। ऐसा है कि आप लोगों को खुद जो है ना वो आकर बात करनी पड़ेगी। अगर आप लोग ऑन कैंपस भी क्लासेस लेना चाह रहे हो ना तो आपको खुद आकर बात करनी पड़ेगी, ठीक है मैम? क्योंकि जो है 6:30 तो फिर बहुत ज्यादा लेट हो जाता है। तो फिर जिन बच्चों ने जो है वो ट्रांसपोर्ट से जाना होता है यूनिवर्सिटी की, तो उनके लिए फिर मसला हो जाएगा। ठीक है मैम। ओके ठीक है। हैं कोई बच्चे अब जिनकी जो है वो डबल डोज जो है वो हो गई हुई है, कंप्लीट वैक्सीनेशन कंप्लीट हो गई है? यस मैम हो गई है। ठीक है, चलें आप लोग फिर आकर बात कर लीजिएगा। अभी वैसे मेरा ख्याल है इसके बाद हमारे 4 या 5 लेक्चर्स और रह गए हैं। यस मैम, टोटल 10 होते हैं। हाँ जी, तो आज 4 हो जाएंगे। हाँ 4 हो जाएंगे आज। तो देख लो, अगर आप लोगों ने बाकी के जो है वो कैंपस पे लेने हैं तो फिर आप लोगों को आकर बात करनी पड़ेगी, तो मैं फिर आपकी कैंपस में ले लूंगी क्लास। मुझे कोई इशू नहीं है, मैं तो वैसे 6:30 भी ले लूंगी, कोई मसला नहीं है मैम। जी जी अगर जो बच्चे जिनका अभी फर्स्ट डोज लगा है और सेकेंड डोज उनका 3 मंथ बाद लगेगा, या जो आउट ऑफ सिटी है जैसे कंट्री, तो उनके लिए ऑनलाइन होगी क्लास कि उनको भी कैंपस भी आना पड़ेगा? बेटे अभी तक तो ना जब तक ये नहीं हो जाता सेकेंड डोज वाला जो है सबका, अभी तक तो हाइब्रिड चल रहा है। तो अभी इसके बारे में कोई पता नहीं है कि वो कब कह दें कि ऑनलाइन वाला सिस्टम जो है वो खत्म है और सारे जो है कैंपस पे क्लास ले। इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकती अभी। ओके मैम। लॉग बुक आप लोग मुझे वाइवा जब होगा तब सबमिट करवाओगे या पहले सबमिट करवानी है? मैम वो तो अपडेट देगी। ठीक है। अच्छा और मुझे बताओ कि आज का जो मतलब लेक्चर कवर हो जाएगा ना, उसके बाद आप लोगों ने दो 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 के पेयर बनेंगे और आप लोगों ने जो है ना यहाँ तक की जो असेसमेंट है उसका डायलॉग करना है। तो ये लोग ये जो चीज है ये आप लोग खुद ही सॉर्ट आउट कर लोगे? मैम प्रेजेंटेशन होती है, डायलॉग तो नहीं होता। मैं आपको मतलब जैसे एज ए प्रैक्टिस है, एक बंदा जो है वो पेशेंट बन जाएगा और एक जो है वो डॉक्टर बन जाए या न्यूट्रिशनिस्ट बन जाए, जो भी बन जाए, वो भी सॉर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन ही है ना। प्रेजेंटेशन किसी भी फॉर्म में ली जा सकती है, वो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि आपकी इस तरह से प्रैक्टिस हो जाए कि आपने पेशेंट की असेसमेंट, अगर आप फ्यूचर में जैसे जाते हो, अभी तो खैर कोरोना की वजह से हॉस्पिटल विजिट और वो सारा कुछ ही खत्म हुआ हुआ है, ताकि आपको एटलीस्ट थोड़ा सा आइडिया तो हो। मैम इस तरह ऑनलाइन में तो हमसे नहीं होगा, हमने एक दफा भी विजिट नहीं किया हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल बेशक ना विजिट करो, मैं आप लोगों को डिटेल बता रही हूँ ना, अगर इस दफा नहीं मतलब नेक्स्ट क्लास में नहीं तो उससे नेक्स्ट में कर लेंगे, वो तो कोई मसला नहीं है। कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे पूछ लो। तो कोई भी हमने केस स्टडी उठानी है ना, और देखना ये है कि उस पैटर्न पे आप लोग क्वेश्चनिंग कर पाते हो या नहीं कर पाते, कितनी समझ लग गया, और इस चीज का बस होना चाहिए थोड़ा सा आइडिया।
ग्रेडेड है मैम ये? जी मैम ये ग्रेडेड है? हाँ जी ओके। मैम आप ग्रेडेड बनाना रखें ताकि हम लोग की एक दफा प्रैक्टिस हो, उसके बाद आप दोबारा करवा लें, क्योंकि इस तरह तो हमारी अगर कोई मिस्टेक होगी तो फिर फालतू में हमारा तो ग्रेड मतलब कटेगा ना। आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम आएगा तो आप मुझसे पूछना ना, ये तो नहीं होता कि अगर आपने एग्जाम देना तो आप पहले कहोगे कि हम पहले एक दफा एग्जाम दे के देखते हैं हमारी जो उसमें मिस्टेक होगी हम उसको नेक्स्ट टाइम करेक्ट कर लेंगे, ऐसे तो नहीं होता मैम। लेकिन प्रैक्टिस तो होती है ना, एग्जाम से पहले हम प्रैक्टिस करते हैं, तैयारी करते हैं, उसके बाद ही देते हैं। तो जिसके साथ आपकी पेयरिंग होगी आप उसके साथ प्रैक्टिस करना ना, मैं आपको सारा सीक्वेंस और वो सब चीजें बताऊंगी। मैं ये नहीं कह रही कि आपने कम्प्लीट अभी कर लेनी है मैम, ये मीट के बाद रख सकती हूँ, मीट के बाद कर लेंगे इजी होगा। मीट की डेट आ गई आप लोगों की? मैम एक्सपेक्टेड है कि 21st से हो जाए। 21st से हो रहे हैं शायद। अच्छा चलो ठीक है, मीट के बाद कर लेते हैं। यस मैम मीट के बाद रख लेंगे। लेकिन भैया देख लो कि असेसमेंट जो है वो तब तक कंप्लीट हो चुकी होगी, मैं तो फिर पूरे का वो करवाऊंगी। मैम देख लेंगे हो जाए। मैम आप टॉपिक देंगी ना कोई? नहीं मैं टॉपिक नहीं दूंगी, आप लोगों की आपस में जो है मुझे बस एक टॉपिक के साथ ना आप लोगों ने लिस्ट दे देनी है, ठीक हो गया? आपका सीआर कौन है? मैम आप केस सिनेरियो तो देंगी ना, मतलब जिसे जो पेयरिंग पेयर होगा एक, या केस सिनेरियो भी हमने खुद ही ढूंढना होगा? मैम कोई भी नहीं है सीआर अभी, बन जाओ कोई जो मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सके फोन पे भी अगर जरूरत हो तो। जी मैम आदिल को बना। यस मैम आदिल। नो मैम मैम वर्दा को बना दे। मैम भाई जिसने भी बनना है ना ये आप लोग सॉर्ट आउट कर लो, और जिसने भी बनना है ना वो मुझे अपना कॉन्टेक्ट नंबर जो है वो ईमेल कर दे ताकि मैं उससे उसको जो है ना वो सारी डिटेल्स बता दूं, ठीक है? हम तब तक सारे कर देंगे आपको। नहीं सारे ना करें, जिसने भी बनना है ना आप लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप या कहीं पे भी जहाँ पे भी डिसाइड करना कर लो, फिर उसके बाद जो है ना एक बच्चा मुझे अपना वो कॉन्टेक्ट नंबर शेयर कर दे। ठीक है मैम कर दें। ओके मैम। हाँ मैं आपको प्रेजेंटेशन बता रही थी, उसमें आपने ऐसे करना है कि आप लोग जब मतलब पेयरिंग हो जाएगी आप लोगों की तो उसके बाद जो है आपने अपनी डिजीज जो है वो उसके आगे मेंशन कर देनी है, ठीक है? ताकि मुझे भी पता हो कि अगर आप इस डिजीज पे कर रहे हो तो इसके और इससे रिलेटेड क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, उसको एज ए इनडोर पेशेंट ले रहे हो आप या आउटडोर पेशेंट ले रहे हो, ठीक हो गया? अच्छा आज हम पढ़ेंगे जी जो असेसमेंट फॉर्म होता है ना उसकी स्टार्टिंग, जैसे आप लोगों के पास वो लॉग बुक की सॉफ्ट कॉपी तो है ना, उसका जो है वाइटल साइंस तक जो है वो हम पार्ट करेंगे आज, और जो आगे वाइटल साइंस की आगे डिटेल दी हुई है ना जैसे ब्लड प्रेशर कैसे चेक करते हैं और टेम्परेचर और पल्स ये सब चीजें, ये जो है ना मैं इसको कंबाइन करके आपको पढ़ा रही हूँ, इसी सीक्वेंस में नहीं चल रही, क्योंकि देखो अगर ये इसमें टेम्पलेट टू राइट आउट जीपी ऑफ अ पेशेंट अगर मैं आपको ये बताऊंगी तो इसमें मैं आपको किस तरह से एक्सप्लेन कर सकती हूँ, तो जो जो पार्ट मैं इसमें से कवर कर रही हूँ ना उसकी डिटेल भी मैं आपको आज ही एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक हो गया? ओके मैम। आज के लिए ना अब क्योंकि पेशेंट के साथ तो इंटरेक्शन हो नहीं सकता, तो जो आपके बेड साइड टेक्निक का फर्स्ट चैप्टर है ना उसमें से जो टॉपिक कवर हो रहे हैं और जो चीजें मैं आपको पिक्टोरल वे में एक्सप्लेन कर सकती हूँ वो मैंने उसके लिए आपकी प्रेजेंटेशन बनाई है, तो आप लोगों को कुछ समझ ना लगे तो मुझसे पूछ लेना, और अभी तक की भी कोई अगर बात किसी को नहीं समझ आई या कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ ले ताकि फिर हम आगे शुरू करें अभी।
मैम अभी आपने जो बोला वो रिपीट कर सकते हैं क्योंकि मेरी लाइन डिसकनेक्ट हो गई थी और मैंने लास्ट अभी सुना कि आपने प्रेजेंटेशन बनाई है। प्रेजेंटेशन मैंने ऐसे बोला है कि पेयरिंग में होगी, आप लोग डिजीज फाइनल कर लेना और जो भी सीआर बनेगा वो मुझे उन डिजीजेस की जो लिस्ट है ना वो उस पेयरिंग के आगे मेंशन करके तो वो लिस्ट मुझे फॉरवर्ड कर दे बाय फ्राइडे। मैम एक डिजीज को एक से ज्यादा ग्रुप भी प्रेजेंट कर सकते हैं ना मतलब? हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन अगर उसको अगर सेम डिजीज को कर रहे हो ना तो फिर उसके सिम्टम्स आप लोगों ने डिफरेंट रखने हैं क्योंकि फिर उसके हिसाब से आपकी क्वेश्चनिंग होगी आपस में जो डायलॉग होगा ना। अब ये ना हो कि सिम्टम जो है वो टोटली इररिलेवेंट हो। यस मैम। चलो जी स्टार्ट करते हैं अब। फिजिकल एग्जामिनेशन में सबसे पहले हमारे पास जो है वो नेम आ जाता है, एज, जेंडर और डेट ऑफ एडमिशन। ये चीजें तो हमने डिटेल में जो है वो फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर ली थी। इससे रिलेटेड अगर कोई कंफ्यूजन है तो अभी भी मुझसे पूछ लो वरना फिर आगे हम फिजिकल अपीयरेंस पे चलते हैं। अगर है तो भी पूछ लो, नहीं है तो भी मुझे बता दो ताकि हम जो है वो नेक्स्ट उस पर स्टार्ट करें। फिजिकल एग्जामिनेशन अब मुझे इससे बेहतर जो है जनरल अपीयरेंस के लिए जो है ना रेफरेंस पिक्चर नहीं मिली थी, लेकिन इसमें जो है आपको आइडिया हो रहा होगा कि एक बंदा जो है वो फुली एक्टिव है और फिट नजर आ रहा है जबकि दूसरा जो है वो थोड़ा ड्राउजी है, लेथार्जिक फील कर रहा है, फिजिकली ही वो टायर्ड इस तरह से फील हो रहा है। तो अगर कोई पेशेंट जैसे आप वार्ड में जाते हो या कोई आपके पास आउटडो पेशेंट होता है या आपके पास वैसे क्लिनिक में आता है तो ऑब्वियसली उसकी जो जनरल अपीयरेंस है वो भी आपको जो है उससे थोड़ा आइडिया हो जाता है कि इसको कोई प्रॉब्लम है या इसको कोई पेन हो रही है या इसको किसी भी तरह की कोई डिजीज है या इसको वीकनेस फील हो रही है, तो ये चीजें जो है वो आपकी जनरल अपीयरेंस में आ जाती हैं। ठीक हो गया। इसके बाद ये भी आप इसको जनरल अपीयरेंस कंसिडर कर लें। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास पोस्चर। अच्छा अब ये वाले जो पोस्चर है ना ये तो हो गए अगर किसी को लाइक स्पाइनल कॉर्ड का कोई डिसऑर्डर है या स्पाइनल कॉर्ड की जो है वो शेप इस तरह से है तो ये वाले उसके अंडर आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये मैंने सिर्फ आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये वाली पिक्चर भी ऐड की थी ताकि आपको पता हो कि इस चीज का जो है अगर कोई इंडोर पेशेंट होता है तो उसके साथ इसका नहीं कोई लिंक होता। ठीक हो गया, लेकिन हेल्दी पोस्चर की भी आप पोजीशन देख लो और बाकी जो है वो अगर कोई और स्पाइनल कॉर्ड के इशू होते हैं तो वो इन जो बाकी चार पोजीशंस हैं उसके साथ इसको जो है वो रिलेट किया जा सकता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास प्रॉप्ड अप। अच्छा अब कोई मुझे बताएगा कि प्रॉप्ड अप पोजीशन जो है वो किस कह लें कि किस डिजीज में जो है या कौन सा उस, किसी पर्सन को इशू हो रहा हो तो प्रॉप्ड अप पोजीशन होती है। ब्रीदिंग वगैरह में, ब्रीदिंग में ठीक है, लेकिन एक और है जिसके लिए ये स्पेसिफिक होती है कि इस तरह से जो है वो बैक साइड को जो है आपकी वो रेस्ट पे रखा जाता है इस तरह से जैसे ये इसमें पिक्चर में है। मैम हार्ट के लिए हाँ जी, जिसको कोई स्वेयर प्रॉब्लम होता है हार्ट से रिलेटेड उससे उसमें जो है वो इस पोजीशन पे सजेस्ट किया जाता है या इस पोजीशन में जो है वो पेशेंट को बिठाया जाता है ताकि उसको जो है वो ब्रीदिंग डिफिकल्टी उस तरह उतनी स्वेयर ना हो जितनी के फ्लैट लेटने से होगी। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास
एक ये ऐसी पोजीशन आ जाती है जिसको जो है जनरल एक ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही हो, वो तो हो गई थी ना जो क्रॉप्ड अप थी, वो थी किसी सीवीडी की वजह से, ठीक है, ये हो गई। अब इसमें जो है आप जब इस तरह से बाजू जो है वो अपने नीज पर इस तरह रेस्टिंग पोजीशन में रखते हो तो शोल्डर्स जो है वो आपके एक पोजीशन पे रहते हैं, उनकी ज्यादा मूवमेंट नहीं होती, तो जिसकी वजह से है आपको सांस लेने की जो स्पेस होती है वो ज्यादा मिलती है और उसमें जो है वो डिफिकल्टी थोड़ी कम हो जाती है, थोड़ा सा मतलब आप जो है वो थोड़ा ईज में चले जाते हो। समझ आया? इसमें जो है आपका रिब के जो होता है उसकी जो है वो स्पेस थोड़ी सी जो है वो ब्रॉडन हो जाती है, जिसकी वजह से आपको ब्रीदिंग में इतनी डिफिकल्टी नहीं होती जितनी कि आपको सिंपल रेस्टिंग पोजीशन में होगी। ठीक हो गया? नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी पेरिटोनाइटिस। अब इसमें जो है पेशेंट को कोई भी एब्डोमिनल इशू होगा या एब्डोमिनल कैविटी की जो लाइनिंग होती है उसका कोई इशू होगा तो उसमें जो है ये वाली पोजीशन ऑब्जर्व की जा सकती है, डिपेंड करता है सेवेरिटी पे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मेनिनजाइटिस। मेनिनजाइटिस, इसमें मेनिनजाइटिस जो है वो फिट्स जो होते हैं उसको भी हो सकता है। मेनिनजाइटिस होता है ब्रेन की जो एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है उसमें किसी भी वजह से इंफ्लेमेशन हो सकती है या फिट्स होते हैं उसकी वजह से, जिसको फिट्स पड़े हैं उसमें भी मेनिनजाइटिस का जो है वो इशू हो सकता है, तो उसकी वजह से मसल स्टिफ हो जाते हैं नेक के स्पेशली, जिसकी वजह से जो है नेक की पोजिशन इस तरह से पीछे की तरफ हो जाती है। ये एक ओवरऑल ग्राफ था कि जिस तरह से भी मतलब जिस भी साइड पे आपको पेन फील हो रही होती है आप ऑब्वियसली आपकी पोजीशन उस पेन को जितना ईज कर सको या उसको जितना दबा सको उस हिसाब से आपकी पोजीशन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। ये एक जनरल आइडिया की है, डिजीज स्पेसिफिक वही थे जो मैंने आपको भी पहले पीछे एक्सप्लेन किया। ठीक हो गया? उसके बाद जो है आ जाता है आपका ग्लासगो कोमा स्केल। ये कॉन्शियसनेस को मेजर करने के लिए होता है। इसमें जो है तीन तरह के रिस्पांस को जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है, आयरिस, आई ओपनिंग को, वर्बल रिस्पांस और मोटर रिस्पांस। आई ओपनिंग में ये होता है कि स्पॉन्टेनियस होती है, आपको जो है वो कोई बाहर से स्टिमुलाई नहीं आता, आपकी जो है वो आई मूवमेंट नॉर्मल होती है, आई ओपनिंग नॉर्मल होती है, आप नॉर्मल इधर उधर देख रहे होते हो, या ये ऐसे नहीं मतलब अनकॉन्शियस इस तरह से नहीं होते कि जब तक आपको कोई आवाज सुनाई ना दे या कोई प्रेशर अप्लाई ना किया जाए या कह लें कि किसी तरीके से जो है किसी को अपनी तरफ अटेंटिव ना किया जाए, उसकी जो है वो स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होगी, मतलब नेचुरल मूवमेंट जो होगी। ठीक है? अगर तो साउंड को रिस्पॉन्ड कर रही है तो उसकी ग्रेडिंग एज ए 3 होगी, किसी प्रेशर को या टच को या इस तरह से रिस्पॉन्ड करें तो वो 2 होगी उसकी। ठीक हो गया? फिर उसके बाद अगर जो आई ओपनिंग बिल्कुल भी नहीं है तो ऑब्वियसली उसकी 1 ग्रेडिंग होगी। उसके बाद वर्बल रिस्पॉन्स में आ जाते हैं ओरिएंटेटेड। इसमें जो है वो आपके स्पीच प्रॉब्लम जो है वो क्लियर होगी, उसमें जो है कोई इशू नहीं होगा, आपसे जो क्वेश्चन किया मतलब आप जो पेशेंट से क्वेश्चन कर रहे होगे वो उसके बारे में क्लियर होगा और वो आपको डिटेल में या सही तरह से उसका रिस्पांस दे सकेगा एक्टिवली। कंफ्यूज्ड होगा, एक कंफ्यूज्ड, एक तो वैसे ही आपको जो है वो एक्सप्रेशन से भी पता चल जाता है कि ये जो है इसकी एक्सप्रेशन जो है वो किसी कंफ्यूज्ड बंदे के जैसे हैं, या वो इधर उधर देख रहा होता है या उसको कुछ समझ नहीं आ रही होती कि हो क्या रहा है। उसके बाद आ जाते हैं वर्ड्स। अच्छा, अब वर्ड्स में ये होता है कि आपको जो है उसकी अगर वो बोल रहा है कुछ तो आपको उसकी समझ नहीं आ रही, उसकी स्पीच इस तरह की है कि आपको उसकी समझ नहीं आ रही और वो हो सकती है मतलब अनकॉन्शियस हो रहा है अगर वो, तो इसमें आ सकता है वर्ड्स की कैटेगरी में। ठीक है? आपको क्योंकि जाहिर सी बात है उसके वर्ड्स क्लियर नहीं होंगे तो आप उसको कैसे सुन सकते हो। साउंड्स में ये आ जाता है कि आपको लग रहा होता है जैसे कि आप बोल रहे हो लेकिन आपकी आवाज नहीं निकल रही होती है, आप वो भी जो है वो कह लो के अनकॉन्शियसनेस की तरफ जो है वो ज्यादा जा रहा होता है। ठीक है? और अगर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं होगा तो उसकी ग्रेडिंग हम एज ए 1 करेंगे।
मोटर रिस्पॉन्स में आ जाते हैं ओवेक कमांड्स, अगर तो जो है आप कह लो कि आप किसी भी एंगल पे या किसी भी आप उस पेशेंट को कहते हो कि ये वाली मूवमेंट करके दिखाओ, फलां इसको जो है जॉइंट को मूव करके दिखाओ, हाथ को मूव करके दिखाओ, बाजू को मूव करके दिखाओ, तो वो उसके अकॉर्डिंग अगर सही हो रहा होता है तो इसकी जो है ग्रेडिंग 6 होगी, ठीक है। मतलब ये कि उसकी जो है मोटर रिस्पॉन्स वो बिल्कुल नॉर्मल है। फिर उसके बाद आ जाता है लोकलाइजिंग। लोकलाइजिंग ये हो जाएगा कि कोई एरिया, कोई सर्टेन बॉडी पार्ट है जिसमें जो है वो मूवमेंट शो नहीं हो रही। नॉर्मल फ्लेक्शन में, नॉर्मल फ्लेक्शन और लोकलाइजिंग जो है ये इस तरह से ओवरलैप करेगा, ठीक है। कि मतलब लाइक अगर आप इसको ये कहो कि कोई एक बॉडी पार्ट है, अगर वो किसी भी वजह से, जैसे फॉर एग्जांपल अगर नमनेस होती है तो आप जो है वो, आपको फील नहीं हो रहा होता कि आपका वो बॉडी पार्ट आपके साथ है भी या नहीं है, ठीक हो गया। इसके बाद आ जाता है एबनॉर्मल फ्लेक्शन। इसमें ये कि मतलब जैसे आप देखो आपके कोई कोई जो बूढ़े लोग होते हैं उनको जो है वो न्यूरॉन्स का या मोटर न्यूरॉन्स का कोई इशू होता है, तो उसकी वजह से जो उनके हाथ होते हैं वो मतलब ट्रेमर कर रहे होते हैं मुसलसल, ठीक है। फिर इसके बाद जो है आप इन तीनों का जो स्कोर है वो एड अप करोगे और उसके बाद जो है वो आप डायग्नोज करोगे माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर में। बच्चों आप लोगों का जैसा आज रिस्पॉन्स आ रहा है मुझे लगता है मुझे आप लोगों पे करना पड़ेगा। नहीं नहीं मैम पढ़ाएं आप। अरे कॉन्शियस हो ना। मैम रिस्पॉन्स नहीं आ रहा कोमा में। अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा ये तो जब आप लोगों का वाइवा होगा ना तो फिर मैं चेक करूंगी, ठीक है। मैम वाइवा आपने लेना, कोई और ही चले। वाइवा मैं लूंगी, आपको किसने कहा किसी और ने लेना? मैम हमने एसटी वन पढ़ी है। आप ही लीजिए वाइवा। अननोन टीचर लेता कोई और। अच्छा मुझे तो यही पता चला था कि मैंने जो है वो मैंने लेना है वाइवा आप लोगों का। मैम आप ले लीजिए। मैं ले लूं मैम आप जोड़ दे। क्या कह रहे हो बेटे? मैम आपने किसी और सेक्शन का वाइवा लेना है? और सेक्शन का लेना है मैंने, अगर आप लोगों का ही लेना हो तो। मैम हम तो कहते हैं आप हमारा वाइवा ले। मैम ले रहे हैं, हम तो कह रहे हैं आप ले। मैम आप कहिएगा मैं नहीं लेना। चलें ठीक है ठीक है। अगर अगर वो कहेंगे ना कि आपने नहीं लेना तो फिर मैं उनको क्या कहूँ कि मैं लेती नहीं हूँ, ऐसे ही मेरे बच्चों को पास कर दें। मैम ऐसा नहीं हो सकता। हाँ जी बेटे। मैम आपने दूसरे लेक्चर की रिकॉर्डिंग नहीं अपलोड की, वो सेंड कर दें प्लीज। ठीक है मैं कर दूंगी। लेक्चर के एंड पे ना मुझे एक दफा याद करवाना, मैं भेज दूंगी। मैम आपने लेक्चर नंबर लिया लेक्चर नंबर 3? लेक्चर नंबर 3 तो अभी आज कंबाइन हो रहा है ना 3 और 4। मैंने आप लोगों से कहा था कि उसकी क्लास में रिस्केड्यूल करूंगी तो आज ही ले लेते हैं। आज मैंने आपको थोड़ा सा ज्यादा पढ़ाना है। मैम ये आप स्लाइड से पढ़ा रही हैं लोगों से? दोनों से, बल्कि 3 चीजों से पढ़ा रही हूँ मैं आप लोगों को। आप लोग साथ लेक्चर नोट करते हो? नो मैम। नो मैम। किस खुशी में? मैम 5 सेमेस्टर से तो नहीं किया। पेशेंट अगर कुछ पूछेगा ना तो उसको भी यही बताना। क्या मैम? क्या हमने लेक्चर नोट नहीं किया था, इसका हमें नहीं पता। यस मैम, चॉइस में छोड़ दिया। ठीक है। क्लिनिकल साइड पे जाना ही नहीं। फिर कौन सी साइड पे जाना है भाई? क्या गूगल से देख लेंगे अगर नहीं नोट्स किए होंगे। सही, अच्छी रिप्यूट बनाओगे तुम लोग अपनी भी और पढ़ाने वालों की भी। शाबाश मैम, आप हमें स्लाइड भी सेंड कर दीजिएगा। ठीक है जी। और
रिकॉर्डिंग बस मैम सही। अच्छा जी, कॉन्शियसनेस के बाद नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास फिजिक। फिजिक की जो है वो हाँ जी कोई कुछ बोल रहा है? नो मैम। अच्छा, फिजिक जो है वो मेन हमारे पास तीन कैटेगरीज होती हैं, जो है मसल और फैट डिस्ट्रीब्यूशन की बेस पे, ठीक है? यस मैम। एक सेकेंड रुको। अच्छा बच्चों, आपकी सीआर है सैयदा नूरुलैन, ठीक है? जी मैम। अच्छा जी, फिजिक जो है वो तीन तरह की होती है ऑन द बेसिस ऑफ फैट एंड मसल डिस्ट्रीब्यूशन। मीजोमॉर्फ जो होती है इसमें मसल जो है वो मसल बिल्डिंग बॉडी में ज्यादा होती है। एंडोमॉर्फ में फैट कंटेंट ज्यादा होता है, फैट डिपोजिशन ज्यादा होती है। एक्टोमॉर्फ में जो है वो थिन होता है, ठीक है? जो यस मैम। अच्छा, मीजोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ तो हो गया, ये जो आपकी मसल और फैट डिस्ट्रीब्यूशन होती है इसकी बेस पे, ठीक है? इसके बाद आ जाती है बॉडी शेप। बॉडी शेप जो होती है, अच्छा, और दूसरा ये एक चीज तो मैं आप लोगों को बताना ही भूल गई, शुरू के पॉइंट में मैंने आपको बताना था, ये जब आप फिजिक जो है वो देख रहे होते हो, फिजिक में आपकी एज भी हाइट आ जाती है और वेट भी आ जाता है, तो इसमें जो है ये चीज इसलिए जरूरी होती है कि आपकी एज, वेट और हाइट की बेस पे जो है वो आपको डोज मेडिसिन की डॉक्टर जो है वो प्रिस्क्राइब करता है, ठीक है? इसके बाद मुझे एंड पे याद करवाना, मैं आप लोगों को ना फाइल रीडिंग का एक मेन पॉइंट बताऊंगी कि अगर आपने जब पेशेंट से जो है वो बात शुरू करनी है तो वो किस तरह से करनी है, ठीक है? मुझे एंड पे याद करवाना। Okay. अच्छा, उसके बाद आ जाती है जी बॉडी शेप। बॉडी शेप जो होती है, बॉटम आवर ग्लास, इन्वर्टेड ट्रायंगल, राउंड, डायमंड, एथलेटिक। अब इससे आपको ये जो पिक्चर है इससे आइडिया हो गया होगा कि ये किस तरह की बॉडी शेप होती है। अगर कोई वॉक इन पेशेंट होगा आपके पास या जो है वो इनडोर पेशेंट भी होगा तो आप उसकी जो है वो बॉडी टाइप की असेसमेंट कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग जो है आप उसको डाइट वगैरह दे सकते हो। ये जो है बॉडी टाइप जो है वो मेनली उसके लिए होती है जो वॉक इन पेशेंट्स होते हैं, ठीक है? मैं आपको दोनों का थोड़ा साइड बाय साइड बता रही हूँ कि अगर आपके पास वॉक इन पेशेंट्स आते हैं तो आपने उनको किस तरह से डील करना है। अच्छा जी, नेक्स्ट आ गया हमारे पास वाइटल साइंस। वाइटल साइंस में जो है हम पल्स चेक करते हैं। पल्स की जो है वो टोटल 8 साइट्स होती हैं। कैरोटिड पल्स जो है, आपको ये लोकेशन जो इस पिक्चर में नजर आ रही है यहाँ से इसकी मेजरमेंट की जा सकती है। टेम्पोरल आर्टरी के थ्रू जो है वो इसकी मेजरमेंट की जा सकती है, यहाँ से पल्स की मेजरमेंट की जा सकती है। उसके अलावा आ जाती है रेडियल जो है, ये मोस्ट कॉमन है और जो है वो मतलब यूजुअली जो है इसी को यूज किया जाता है। फिंगर टिप्स को जो है वो आप रेडियस जो बोन जॉइंट होता है उस पॉइंट पे आप रखते हो और वहां से जो है वो आप पल्स की जो है वो कह लो के पर मिनट कितनी है और इस तरह से आप उसको देखते हो, ठीक है? फिर उसके बाद आ जाता है फिमोरल, आ गई ये। अच्छा, अब ये जो सी डी ई एफ जी लिखा हुआ है ये इस पिक्चर के अकॉर्डिंग है, ठीक है? इसको एक दफा आप लोग भी देख लो। अगर आपने पांव से जो है वो चेक करनी है तो उसके भी इन्होंने ये एफ और जी में दो पॉइंट्स मेंशन किए हुए हैं। ये जो ई पॉइंट है, ब्रेकियल पल्स जो आप चेक करते हो, ये मोस्टली उसमें होती है जब आप बीपी चेक कर रहे होते हो, ठीक हो गया? नेक्स्ट जो है हमारे पास आ जाती है एपिकल पल्स। अब ये जहां पर क्रॉस का निशान बना हुआ है ये एपिकल पल्स है। यहाँ से जो है स्टेथ के थ्रू भी जो है आप पल्स चेक कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है जी रिदम। अच्छा, अब रिदम जो है वो पल्स की जो कह लो के बीट होती है ना, उसको हम रिदम बोलते हैं। बीट्स पर मिनट तो हमारी एक वो सेट पॉइंट हो गया ना। अब देखो अगर तो हमारी पल्स की भी मैं सॉरी आपको टाइप्स बताना भूल गई, इसकी जो है
ब्रेडिकार्डिया, टैकिकार्डिया और रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया जो है इसकी तीन टाइप्स हैं, ठीक है। ब्रेडिकार्डिया जो है अगर तो लेस देन 50 बीट्स पर मिनट है, नॉर्मल जो होता, अच्छा नॉर्मल किसी को बीट पता है कितनी होती है? 60 to 100, 72 जो है वो नॉर्मल होती है। और ब्रेडिकार्डिया, जी ब्रेडिकार्डिया के अंडर जो है वो वाले आएंगे जिनकी लेस देन 50 पर मिनट होती है। अच्छा किसी को आइडिया हो ब्रेडिकार्डिया जो है वो किस में जो है वो कॉमन होगी? जिसमें लोपल ट्रेट्स होगा? नहीं बेटे, कोई डिजीज से रिलेट करके बताना है ना आप, हार्ट के रिलेटेड डिजीजेस में। हाँ जी, हार्ट के रिलेटेड डिजीज, जी बिल्कुल ठीक है। उसके अलावा अच्छा ये जो आप, नहीं एरिथमिया तो एक वो अलग चीज आ गई ना, ये तो जो अभी स्लाइड खुली हुई है वो तो इसमें हम कह लो कि ये इसको डिस्कस करेगा, इरेगुलर और इरेगुलरिटी इज रिपीटेड, ये जो लास्ट टू पॉइंट्स है ना इसमें एरिथमिया होगा, इसको कंसिडर करोगे आप। मैं अभी पल्स की बात कर रही हूँ। अच्छा भुला दिया मुझे, मैं अभी कुछ क्वेश्चन पूछने लगी थी आप लोगों से। हाँ और कौन सी जो है वो डिजीज हो सकती है जिसमें, हाँ सॉरी लॉग बुक जो है आपकी उसके अंदर जो है इसमें मेंशन उन्होंने किया हुआ है जो आपका होम टास्क है, ब्रेडिकार्डिया और टेकिकार्डिया की जो है आपने कॉजेज मेंशन करनी है। तो अगर तो आप लोगों को आइडिया है तो अभी डिस्कस कर लो, वो तो बस आपने थोड़ी सी चीजें ही मेंशन करनी है तो वो मुझे फिर आप लॉग बुक के साथ ही सबमिट करवा देना, अगर अभी डिस्कस कर लोगे तो ज्यादा बेहतर है। और बताओ ब्रेडिकार्डिया की कॉज, मैम ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर क्या मतलब हाई होगा लो होगा किस तरह से? मैम लो होगा, ठीक है। अच्छा और उसके अलावा हाइपोथायरायडिज्म जो है ये मतलब इंक्रीज या डिक्रीज जो एक्टिविटी होती है इसका ब्रेडिकार्डिया नहीं, इसका टैकिकार्डिया से जो है वो लिंक होता है। ब्रेडिकार्डिया में एक ये है हाइपरकैलेमिया, मतलब अगर जो है पोटाशियम लेवल ब्लड में ज्यादा होगा तो भी आपकी जो है वो पल्स रेट कम आएगा। अच्छा टैकिकार्डिया जो है वो होती है मोर देन 100 बीट्स पर मिनट अगर होंगी तो उसको टैकिकार्डिया कंसीडर किया जाएगा, और इसकी जो है ना मुझे कॉज बताओ जल्दी से। किसकी मैम? टैकिकार्डिया मोर देन 100 बीट्स पर मिनट, इसकी कोई कॉज बताओ मुझे। हाँ जी एंजाइटी, एक्सरसाइज से होता है, स्ट्रेस वगैरह होगा, फीवर, एक्सरसाइज को तो हम इसमें कंसीडर नहीं ना करेंगे। हम एक्सरसाइज को कैसे कंसीडर कर सकते हैं? एक्सरसाइज तो ऑब्वियसली कोई हेल्दी पर्सन ही करेगा ना, बीमार को तो मैम हाइपोटेंशन, एनीमिया, हाइपरटेंशन, हाँ जी एनीमिया, डायबिटीज, कोई भी हार्ट डिजीज हो सकती है, फीवर और अल्कोहल और कैफीन का इंटेक अगर ज्यादा हो तो उसकी वजह से भी हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर में होगा, थायराइड जो है वो हाइपर में हो या हाइपोएक्टिव हो तो उसकी वजह से होगा, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस और एंजाइटी, ठीक है ये इसकी। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा अब एक जो नेक्स्ट हमारे पास इसका है पल्स का रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया, इसका ये है कि 10 बीट्स पर मिनट जो है वो ईच डिग्री के हिसाब से जो है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। अगर किसी को फीवर है तो अगर जो है फीवर में भी ये इस तरह से रेट इंक्रीज नहीं हो रहा तो उसको हम कहेंगे रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया, ठीक है। ये मेरा ख्याल है मैंने स्लाइड्स में नहीं मेंशन किया हुआ। हाँ अच्छा जी
मैं इसीलिए कह रही हूँ ना कि मैं सारी चीजें जो है वो ए टू जी स्लाइड्स पे नहीं डालती. आप लोग प्लीज लेक्चर नोट किया करो साथ. सही बात है जी मैम, वो हम कर लेंगे बट कहाँ से कर लोगे मैम? वो बुक है ना इसकी एसीपी की, जो बैच साइड टेक्निक है पूरे से कर ठीक लो। है ठीक मैम, रिकॉर्डिंग भी होगी. सही है भाई. अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ गया रिदम. अच्छा अब ये बीट्स तो हो गई, लेकिन बीट का जो बीट्स पर मिनट या जो पल्स है उसका रिदम क्या है, ये जो है हमें अगर उसको हम बहुत कह लो के फोकस्ड होके कंसंट्रेट करके उसको अगर हम जो है वो रीड करें तो फिर हमें फील हो जाता है कि इस पल्स का जो है या बीट का रिदम क्या है. रेगुलरली, रेगुलर एट रेगुलर इंटरवल. अच्छे खासे टंग ट्विस्टर हैं ये. अच्छा इसमें जो है ये रिदम पल्स का जो है वो नॉर्मल आ रहा है. ठीक है. इरेगुलर एट रेगुलर इंटरवल्स मतलब एक कह लें के सर्टेन सीक्वेंस में जो है वो इरेगुलर होगा. ठीक है. Irregularity is repeated irregularly at irregular intervals. मतलब इसका कभी जो है वो रिदम ज्यादा हो सकता है, कभी कम हो सकता है. इसकी कोई भी ड्यूरेशन की स्पेसिफिकेशन नहीं है. ठीक हो गया. मैम इसको हम इन्होंने तो हाँ जी कंफ्यूज कर दिया. देखो बीट्स जो है अगर तो रेगुलर है तो सपोज 72, जैसे 72 बीट्स पर मिनट है. ठीक है. आप उसको काउंट करते हो तो 72 पर मिनट आ रही है, लेकिन उसका रिदम क्या है, वो किस कह लो के किस पेस से आप तक पहुंच रही है, उस चीज को जो है हम रिदम कहेंगे. ठीक हो गया. यस मैम. देखो जैसे अब सपोज एक जगह का जो है वो वॉकिंग डिस्टेंस जो स्टैंडर्ड है कह लो के जो फर्स्ट वाली हमारे पास ये रेगुलरली रेगुलर वाला ऑप्शन है. स्टैंडर्ड जो उसका कह लो के वॉकिंग डिस्टेंस है वो 15 मिनट है. ठीक है. अब इरेगुलर एट रेगुलर इंटरवल्स में उसको आप ये कंसिडर कर लो के 2 मिनट वो बंदा जो है वो आहिस्ता चला, 2 मिनट वो इतना तेज चला कि उसने पिछला वाला जो वो रह गया था उसको कवर कर लिया, फिर 2 मिनट वो आगे आहिस्ता चला, फिर 2 मिनट वो तेज चला. ठीक हो गया. इसको हम कहेंगे इरेगुलर एट रेगुलर इंटरवल्स. फिर आ जाता है इरेगुलरिटी इज रिपीटेड इरेगुलरली एट इरेगुलर इंटरवल्स. इसको हम इस तरह से कंसिडर करेंगे कि है तो उस बंदे के पास 15 मिनट, कभी वो 30 सेकंड तेज चल लेता है, कभी वो 10 सेकंड तेज चल लेता है, कभी वो 15 सेकंड तेज चल लेता है. इस तरह से जो है उसका कोई भी सेट टाइम पीरियड नहीं है किसी भी एक चलने की स्पीड का. ठीक हो गया. यस मैम. अब क्लियर है ये वाला पॉइंट सबको? यस मैम. यस अच्छा अब इसमें जो है इन्होंने ये देखो जो मैंने अभी आपको ये एग्जाम्पल देकर जो वो अभी एक्सप्लेन किया है रिदम और पल्स का, ये डिफरेंस होता है. ठीक है. पल्स जो यस है वो एक चीज कांस्टेंट रहती है, यानी के कह लो के जो 15 मिनट थे वॉकिंग डिस्टेंस, 15 मिनट थे वो कांस्टेंट रहेगा आपका, लेकिन आपकी स्पीड क्या है वो उसमें रिदम होगी. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बीपी एंड रेस्पिरेशन. अब ये मैंने एक वीडियो इसमें डाली थी और ये मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अभी. आप लोगों को वीडियो सुनाई दे रही है? नो मैम, आवाज नहीं आ रही वीडियो की. नो मैम, नो मैम, एक तस्वीर आ रही, आवाज नहीं आ रही। एक
रैन म्यूट कर लो, ये कोई पबजी वाला आ रहा है। मैम मीटिंग से लीव क्या? इधर ही हूँ। ओके मैम। अभी मुझे बताना, मैं स्क्रीन शेयरिंग करती हूँ तो मुझे बताना आप लोगों को वीडियो सुनाई दे रही है या नहीं। ओके मैम। हाँ जी, आ रही है आप लोगों को आवाज? आवाज ही जी। नो मैम, नो मैम, वीडियो भी नहीं आ रही, आवाज भी नहीं आ रही, कुछ भी नहीं आ रहा। अच्छा ये मैं आपको ना फिर एंड पे दिखाती हूँ। उसके बाद जो है हमारे पास ये बीपीएन रेस्पिरेशन जो है ये इम्पोर्टेंट है, इसको जो है आप लोग मैम आप लिंक शेयर कर दें, हम यूट्यूब से देखें। नहीं yes, मैं खुद दिखाऊंगी, पता है मुझे आप लोगों ने जो देखना है। लेक्चर तो नोट हो नहीं रहा, उसके लिए दो तीन दिन का ही होगा। मैम दिखा देंगी। ओके ठीक। अगर मैंने वाइवा ना लिया तो, और किसी और टीचर ने लिया तो मैंने उनको कहना इनसे सारा बीपी से रिलेटेड पूछे, बल्कि मैं इनको प्रैक्टिस भी दूंगी, इनसे कहूंगी चेक करवाए इनसे। मैम कोरोना से डर नहीं लगता, वैक्सीनेशन से डर लगता है। वैक्सीनेशन हम लोगों ने भी करवाई है यार, कुछ भी नहीं होता। कुछ भी नहीं हुआ मैम, इसको पहले बुखार होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास टेम्परेचर। स्क्रीन शेयर करती हूँ, एक मिनट कर रही हूँ स्क्रीन शेयर कर दूं। पढ़ना नहीं पढ़ना वो तो बाद की बात है ना। नो मैम, पढ़ रहे हैं मैम, लेक्चर कितना रह गया, जल्दी खत्म कर दे, क्विज है 8 बजे। यस मैम, मैम को आज आप लोगों की क्लास लंबी लेनी थी। नो मैम, बच्चे नोट नहीं कर रहे। मैम आप बात कर रही थी मिर्च की, तो मिर्च ऑनलाइन होंगे या ऑन कैंपस होंगे? बेटा इसके बारे में ना अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ, ये चल रहा है अभी, मोस्ट प्रोबेबली जो है वो ऑन कैंपस हो आपके। मैम इन्होंने केस बढ़ाने हैं तो इसीलिए इन्होंने कहा है ना वैक्सीनेशन करके, तो उसका वो लेकर आओ साथ में कार्ड अपना। अच्छा जी मैम, ये वैक्सीन तो कोई मान भी नहीं रहा फॉरेन कंट्रीज जो हमें लगा। बेटा आपने एग्जाम ना यहीं पे आके देने हैं, फॉरेन कंट्री में जाके आपको किसी ने एग्जाम नहीं लेना। अच्छा जी बेटे, हो तो सकता है लेकिन उसकी सेवेरिटी कम हो जाती है ना। मैम हमने सुना है, चले मैम आपने कोरोना ही करवाया तो ठीक है। मैंने नहीं करवाना, ना ही मैंने कोई डिसीजन लिया, ना ही मैं आप लोगों को कोई फाइनल वर्डिक्ट दे रही हूँ, ये तो यूनिवर्सिटी वाले ही डिसाइड करेंगे। मैम क्लासेस के बगैर वैक्सीनेशन नहीं ले सकते, तो फिर मिड कैसे ले रहे हैं वैक्सीनेशन के बगैर? अभी तो मिड्स की डेट ही नहीं अनाउंस हुई बेटा। एक वक्त में एक बच्चा बोले मुझे कुछ समझ नहीं आती। मैम कल क्विज हुआ, इन्होंने रात को 12 बजे के बाद डेट शीट भेज देनी है, टेंशन ना ले। यस मैम, ये लास्ट डे ही भेजते हैं। मैम एक दिन पहले सरप्राइज मिलेगा आप लोगों को। मैम एक सरप्राइज की आदत हो गई है। सही। अच्छा जी, अगर हमने टेम्परेचर चेक करना होता है तो ओरल जो है वो उसकी ये जो ए फिगर है, इसमें इन्होंने साइट्स बताई हुई हैं कि कहाँ पर हीट पॉकेट्स जो हैं
उसके ऊपर जो है वो आप थर्मामीटर का जो वो शुरू में जो सेंसर होता है वो आप वहाँ पर प्लेस करते हो, और 1.5 to 2 minutes जो है लगते हैं रीडिंग लेने में। तो जो है ओरली आप इस तरह से टेम्परेचर मेजर करते हो, ठीक हो गया। फिर जो छोटे बच्चे होते हैं उनका थ्रू रेक्टम होता है, ठीक है। थर्मोमीटर को जो है वो रेक्टम में प्लेस किया जाता है और उससे जो है आप बॉडी टेम्परेचर की जो है वो रीडिंग लेते हो। थर्ड और मोस्ट कॉमन जो है वो हमारा आ जाता है एक्सिलरी। इसमें जो है एंगल टूवर्ड हेड इस पोजीशन में जो है वो बाजू को किया जाता है। ओए ये मेरी सेकंड पिक्चर भी सेम हो गई है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ एक सेकंड। इस पोजीशन में जो है आप वो उसको रखोगे। यस मैम। ठीक है। और अच्छा आज का हमारा जो है ना ये वाला लेक्चर खत्म हो गया है, और फाइल रीडिंग की जो मैंने आपको बात बतानी थी अगर तो जो है एक सेकेंड, अगर तो जो है ना आपका पेशेंट उसकी आप सबसे पहले फाइल रीड करोगे, ये वाली जो टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर और यूरिन आउटपुट और फ्लूइड इनटेक, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना आपकी ऑलमोस्ट वो सब जो है फाइल में मेंशन होती हैं, ठीक है। सबसे पहले आप फाइल रीडिंग वाली जितनी मतलब फाइल से जो भी आपको डाटा अवेलेबल होता है ना, डायग्नोसिस वगैरह और ये सब चीज़ें आप पहले ही नोट डाउन कर लेते हो अपने असेसमेंट फॉर्म पर। उसके बाद जो है आपने पेशेंट से बात करनी होती है। ये नहीं होता कि आप पेशेंट से पूछने बैठ जाओ आपका बीपी कितना है, लास्ट रीडिंग आपकी क्या आई थी, वो सारा कुछ जो है उसकी फाइल में मेंशन होता है। ये एक फाइल रीडिंग का सबसे जो है वो मेन पॉइंट होता है कि आप पहले फाइल से सारी जो है आपका आपके पास जो भी परफॉर्मा वगैरह होता है वो सारा आप फाइल से करते हो, और फिर उसके बाद जो है जो क्वेश्चंस बच जाते हैं जो पेशेंट से पूछने वाले होते हैं, जैसे आपने हिस्ट्री लेनी होती है तो उसके बारे में आप पेशेंट से पूछते हो, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस होता है वो आप पूछते हो मोस्टली, वैसे वो भी मेंशन होता है फाइल पे जो इंडोर पेशेंट्स होते हैं। और उसके अलावा जो है कोशिश करो कि पेशेंट जैसे अभी मैंने सबसे पहला पॉइंट हमारा जनरल अपीयरेंस का था, तो कुछ पेशेंट्स जो होते हैं ना वो बड़े बेजार बैठे होते हैं, तो अपनी किसी भी बीमारी की वजह से हो सकते हैं या जो है ना वो जनरली वैसे ही जो है उस एनवायरनमेंट में रह के इस तरह से हो जाते हैं, तो वो यूजुअली आपको जवाब भी नहीं देते, वो सीधा ही मना कर देते हैं कि नहीं हमने बात नहीं करनी। जब उनको ऐसे पता चलता है ना कि मतलब आप जो है डॉक्टर नहीं हो या आपका उससे कोई लिंक नहीं है या इस तरह से, तो आपको जो है वो पेशेंट को थोड़ा इस तरह से रिलैक्स करना पड़ता है या इस तरह से उससे बात करनी पड़ती है कि आप उसके साथ कम से कम इंटरेक्ट करो। लेकिन ये बहुत कम केसेस होते हैं, मोस्टली पेशेंट्स आपको बता देते हैं। तो दूसरा इसका यह तरीका होता है कि जो अगर कोई आप उन पेशेंट के साथ कोई अटेंडेंट होता है आप उससे जो है वो सारी इंफॉर्मेशन लेते हो हिस्ट्री वगैरह से रिलेटेड, कि अगर किसी को डायरिया है तो वो कब से हो रहा है, उसने क्या खाया था ऐसा, या एक्सपेक्टेड जो इस तरह से होता है अगर पेट में दर्द हो रही है तो कब से हो रही है, पेट दर्द के बाद से डायरिया हुआ है या स्टमक में पेन हो रही थी, इस तरह की जो सारी चीज़ें होती हैं हिस्ट्री टेकिंग में जो हमने कवर की थी वो जो है वो आप अपने उस पेशेंट के अटेंडेंट से ले सकते हो, ठीक है। और इसके साथ ही आप लोग हो गए हो अब फ्री। यस मैम। इस पे देखो सारे बच्चे जाग जाते हैं। मैम लीव कर दें। मैम एक ही जगह। क्या? नो मैम, हम पूरी क्लास में जाके हुए थे। नहीं है जो बच्चे फॉरेन बोलते हैं, ओके मैम मैं उनकी बात कर रही हूँ, जो बच्चे सुन रहे हैं उनका भी पता चलता है। अच्छा जी अटेंडेंस अब मैं आपकी ले लूं। यस मैम ले लूं।
माहम रशीद जुबदा ताहिर मोहम्मद उसामा राबिया सज्जाद आमना अम्मार पट बच्चों जल्दी जल्दी बोलो ताकि आप लोग फ्री हो जाओ फिर मैं मोहम्मद उसामा फैजिन ओके बेटा आपकी अटेंडेंस मार्क हो गई है कायनात जमील मैम आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि मैम क्विज़ है थोड़ी देर में इस तरह बहुत लेट हो जाएगा यस मैम मैम नमाज भी लेट हो रही है जी मैम यस एक मिनट रुको मैं ले लेती हूं या मैम आप जूम से ले लें अटेंडेंस मैम जूम से इजी रहेगा बेटे यहाँ से तो मैं आपकी लूंगी तो फिर मैं जो है वो क्या कहते हैं तो ना आप बीच में मैम आप यहाँ स्क्रीनशॉट लेने इजी आप फिर बाद में कॉल ओपन करके ला लीजिएगा ठीक है जी मैम अभी बहुत टाइम है क्विज में आप इजी हो करो नमाज लेट हो रही है क्विज में टाइम है पढ़ना है भाई मैं क्विज का मैम बोल बोलते नमाज पढ़ते हो इतना ही ना वाइवा में भी बोलना मेरा जो है ना नाम ना खराब करवा देना तुम लोग मैम आपका नाम हम रोशन करेंगे इंशाल्लाह मैम बोलते तो मैं लेकिन वो गलत सही फिर मैं पता नहीं चलता मैम हाँ जी मैम फिजा नवीद और मुबीन तनवीर के नेट इशू आ रहे हैं तो उनका डिस्कनेक्ट हो गया है उनकी भी लगा दीजिएगा मुझे ना वो भेजो मेल में उनका नाम भेजो ओके मैम मैम अब्दुल इकबाल का भी 5 मिनट पहले लाइट गई और कनेक्ट चले गया है उसकी मार्क कर दें अटेंडेंस किसकी बेटे अब्दुल इकबाल और मैम उसका लास्ट 2 क्लास जो हुई है उनमें भी उसके साथ यही हुआ है कि तो उसकी एब्सेंट मार्क हो गई है चले ठीक है मैं लगा दूंगी ठीक है आप लोग जाए Allah Hafiz, man. Allah Hafiz.